तो चलिए मैं भी सांप को बाहर निकालता हूँ। फोस्टेंस कैट स्नेक, आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, आप देख सकते हैं इसका डिजाइन देख सकते हैं। ये ऑर्निट फ्लाइंग स्नेक है, ये देखिए इनकी आंख जो होती है वो बिल्ली की तरह होती है। और मैं इसके इतना नजदीक जाने की वजह यही है कि इसका जो बॉडी लैंग्वेज है ये हमारे दिमाग में रख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो अभी हम लोगों ने ये दो सांप रात में रेस्क्यू किए थे। ये है ऑर्निट फ्लाइंग स्नेक और ये है फोस्टेंस कैट स्नेक। दोनों में खासियत ये है कि दोनों ट्री स्नेक है, लेकिन ये फ्लाई करता है और ये झाड़ पर चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है। ये भी पेड़ पर चढ़ता है। तो हम जाकर जब इसको रिलीज करते हैं तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि ये ट्री स्नेक क्यों कहलाते हैं और ये फ्लाइंग स्नेक क्यों कहलाता है, इनमें क्या खासियत होती है जो कि इनको अनोखा बनाती है। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। जो कुछ भी मुझे जानकारी है उसको आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, अभी हम इन दोनों शानदार सर्पों को यानी कि स्नेक्स को जंगल में रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। तो उसके पहले मैं अपना ये हैंड ग्लव्स का परिचय आपसे देना चाहता हूँ। ये एक पर्वतारोहियों को यूज में इस्तेमाल आने वाला एक हैंड ग्लव्स है, जिससे जिसके अंदर ग्रिप होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्नेक जो है वो स्लिप नहीं होता, क्योंकि इसमें सांप को होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए ये हैंड ग्लव्स कारगर है नॉन वेनमस के लिए। वेनमस के लिए ये कारगर नहीं है, क्योंकि ऊपर उलन का कपड़ा है ये ऊपर। तो चलिए मैं भी सांप को बाहर निकालता हूँ। ये है फोस्टेंस कैट स्नेक, आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, आप देख सकते हैं इसका डिजाइन देख सकते हैं। ये ऑर्निट फ्लाइंग स्नेक है। तो अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये इसको हम रेस्क्यू करते हैं, ये रेस्क्यू करते वक्त ही ये अटैक करने की मुद्रा में होता है। तो अभी मैं इसको दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो है कैट स्नेक, ये कैट स्नेक जो है क्यों है, क्यों कहलाता है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। और ये मैं इसको जो पकड़ा हूँ अपने हाथ से, ये थोड़ा भी इसमें से हिल नहीं पा रहा, क्योंकि इसका ग्रिप उतना अच्छा है। और कैट स्नेक जो होता है उसकी आंख में दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इनकी आंख जो होती है वो बिल्ली की तरह होती है, और ये जो है वर्टिकल आईज होती है इनकी। तो इसका ये जो फोस्टेंस कैट स्नेक है, इसके अंदर जो है ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न है, और ये इसी तरीके से पैटर्न होता है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट ना होके बिस्किट कलर का होता है। कुछ डार्क और कुछ डल कलर होता है, ब्राइट और कुछ डल कलर होता है। दो पैटर्न होते हैं इसमें, एक बिस्किट कलर में होता है और एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होता है। इनकी जो आंखें होती है, आंखों के पास से जो ब्लैक धारी दिखाई दे रही है आंखों को लगे हुए, ये जो ऐसे ही डिजाइन है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धूप को, इनके पास ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ने से जो काला वाला जो कलर होता है इनकी आंखों पर रोशनी पड़ने से रोकता है, फ्लैश होने से रोकता है, जिससे कि इनको तकलीफ नहीं होती कहीं पर भी जब ये पेड़ों पर टॉप के ऊपर रहते हैं। तो इसीलिए उनको ये सब निशान होती है। तो अभी ये एक सेमी वेनमस स्नेक है, और ये ज़्यादा करके पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं और पक्षियों के अंडे ये खाते हैं, और ये पेड़ों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर उनको घात लगाकर उनका इंतज़ार करते हैं पक्षी के आने का। जब पक्षी उड़ के इनके रेंज तक आ जाता है तब ये उनके ऊपर बिजली की गति से हमला करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। और ये सेमी वेनमस होता है, इसका जो वेनम होता है ये सिर्फ छोटे छोटे पक्षियों के ऊपर ही काम करता है, ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। ये नॉन वेनमस की तरह ही होता है, क्योंकि इसका जो जहर है हमारे ऊपर कारगर नहीं होता। ये हमें बाइट भी कर ले तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो ग्लव्स है ये सिर्फ नॉन वेनमस और सेमी वेनमस के लिए ही काम करता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसके इतना नज़दीक जाने की वजह यही है कि इसका जो बॉडी लैंग्वेज है ये हमारे दिमाग में रखकर हम लोग ये करते हैं। ये जैसे मेरे को भांप रहा है, मेरे को जांच रहा है कि मुझे देख रहा है। अब ये साउंड क्रिएट करेगा तो मुझे डराने के लिए अपना साउंड क्रिएट करेगा। तो ये पेड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत ही माहिर होता है।
आप देख सकते हैं इसका पूंछ कटा हुआ है, मैंने बोलना भूल गया, इसकी पूंछ से जो इसका जो वेंटिलेशन होता है, इसके बाद इसकी पूंछ जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन ये वेंटिलेशन के बाद इसकी पूंछ कटी हुई है। इसके साथ कोई किसी तरीके का हादसा हुआ हो सकता है। ये इसका वेंटिलेशन है, ये देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वेंटिलेशन है इसका यहाँ से, और यहाँ से इसका पूंछ जो है जिगजैक हुआ है, इसका नीचे का जो स्ट्रिप्स है ये जिगजैक शेप लिया हुआ है। तो ये वेंटिलेशन के बाद यहाँ कटी हुई आप देख सकते हैं, इसको मैंने रात में देखा था, इसको नोटिस किया था कि इसकी पूंछ कटी हुई है। वेंटिलेशन के बाद इसकी जो पूंछ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये ट्री स्नेक की निशानी होती है। अभी मैं फ्लाइंग स्नेक को बाहर निकालता हूँ, ये भी एक ट्री स्नेक होता है, ये ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मक्खी बैठी हुई देख सकते हैं आप। ये जो है मक्खी ये काटती है तो बहुत दर्द होता है, ये भी खून पीती है, ये भैंसों के ऊपर और जानवरों के ऊपर ये बैठ के अपना आहार प्राप्त करती है, ये खून पीने वाली मक्खी है। ये जंगलों में ही पाई जाती है, घरों के अंदर इसको वातावरण नहीं अनुकूल होता। ये देख, ये जो मक्खी है ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये इसको डिस्टर्ब कर रही है, इसको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये सांप किस तरीके से आकर्षित हो रहा है कैमरा की तरफ, तो इस मक्खी को मैं यहाँ से भगा देता हूँ। और बताना चाहूंगा कि मैं ट्री स्नेक के बारे में जो बताना चाह रहा था, इस सांप के बारे में जो बता रहा था कि इसका जो वेंटिलेशन के बाद जो है पूंछ उसके आकार से कितनी लंबी होती है, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन इसका मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ है ये वेंटिलेशन है, इसके बाद से इसकी पूंछ देखिए कितनी लंबी है, और ये पूंछ से जो है ग्रिप हासिल कर सकता है। इसको मैंने जब यहाँ पर इसको जब नीचे से ग्रिप नहीं मिलेगा तो अभी इसका पूंछ ही सब ग्रिप होगा, तो ये पूंछ से हमारे हाथ को इस तरीके से पकड़ सकता है। ये ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक जो है ये, और इसमें दोनों में फर्क इतना है कि ये फ्लाइंग ग्लाइड कर सकता है लेकिन ये पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर होता है, और ये सांप भी पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ में इसकी और एक खासियत है कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मेरे हाथों पर अपनी कलाबाजियां दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मैंने इनके बारे में जो कुछ भी बताना था आपको बता दिया, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, आपको धीरे धीरे खुद भी आप इसके बारे में गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था और क्या सही है। तो अब मैं दोनों को पेड़ पर छोड़ने वाला हूँ, तो आप देखिए ये जब भी आज़ाद होते हैं तो किस तरीके से खुश होते हैं, आप देख सकते हैं। ये अच्छा एक पेड़ है जिसमें ये जाने के बाद में हमको दिखाई देंगे सही तरीके से जाते हुए, ये सांप जो है पेड़ की तरफ किस तरीके से आकर्षित होता है आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये कैमरामैन की तरफ जा रहा है, पीछे जाओ। तो ये अभी जैसे इसको कोई चीज अभी दिखा कैमरामैन, तो वो उसको पास दिखाता है जिसकी वजह से वो उसी के पास जा रहा था, तो उसकी कोई गलती नहीं है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है बॉडी का वो अच्छे से अच्छे दूरी प्राप्त कर सकता है, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अपनी महारत आपको दिखा रहा है, खुद भी बता रहा है कि रजाक ने जो कहा था वो सच कहा था कि मैं पेड़ पर चढ़ने वाला सांप हूँ, तो मैं पेड़ पर चढ़ के आपको रजाक को सही साबित करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी जो है ये एक ट्री स्नेक है, लेकिन ये ग्लाइड भी करता है, अगर इसका कोई गारंटी नहीं, अगर ये चाहे तो ट्री पर चढ़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से जंप भी कर सकता है। मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये इसको इसके ही मर्जी पर इसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये पेड़ पर चढ़े या फिर वहाँ से जंप करे, इसका बोल नहीं सकते क्योंकि ये जंप भी कर सकता है, आप देख सकते हैं। ये अभी क्या करेगा पता नहीं, अगर ये जंप करे तो मैं बताया जो उसके बारे में कि ये ग्लाइडिंग करता है, देखिए ये अपना जमीन का रास्ता लेते हुए कैमरामैन के पैर को भी अपना रास्ते की तरह इस्तेमाल किया इसने, तो अभी ये पानी की तरफ जा रहा है, पानी को पार करके देख सकते हैं आप।
यहाँ जब तैर रहा है पानी में, देखिए कितने स्पीड से पानी में तैरते हुए उस तरफ चला गया। अब ये पेड़ों पर चढ़ रहा है, ये बाम्बू के जो पेड़ है इसके लिए आदर्श स्थान होते हैं, यहाँ पर वो बर्ड्स को और छोटे छोटे पक्षियों को अपना शिकार बना सकता है। तो साथियों, मैंने जो आपको बताया इन दोनों सांपों के बारे में रिलीज करते हुए और ग्लव्स के बारे में बताया, इसका इस्तेमाल सिर्फ नॉन वेनमस के लिए आप कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये ग्रिप पर है, ग्रिप पकड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ये नॉन वेनमस के लिए उतना ही कारगर है। वेनमस के लिए आपको स्नेक बाइट प्रूफ जो हैंड ग्लव्स होते हैं उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अमेजोन में आपको प्राप्त होंगे। ये भी आपको अमेजोन में आपको प्राप्त होंगे, आप अमेजोन से आप इसको मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट मीशो जो भी जरिया है आप उससे मंगवा सकते हैं। तो मैंने इन दोनों सांपों के बारे में आपको बताया, जो कुछ भी आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा था, आप क्या जानते थे इसके बारे में, आप मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। मैं मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है हमेशा, मैं आपके जवाब भी देने के लिए रेडी रहता हूँ। तो मैं अपने व्यूवर्स से कहूंगा, जो नए हैं उनसे कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि ऐसे नए नए अनोखे जानकारी के साथ जो मैं वीडियो बनाता हूं वो आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए, मैं आपसे यही कहते हुए विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।